शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि के दर्शन करने का विधान है। काशी में इनका मंदिर विश्वनाथ धाम के पास कालिका गली में स्थित है। सुबह से ही श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए कतारबद्ध हैं और दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। माना जाता है कि देवी अंधकार का नाश करने वाली व काल से रक्षा करने वाली माँ हैं। उनके दर्शन मात्र से सभी ग्रहों के भय और बाधा का नाश होता है। भक्त मंगला आरती के बाद से ही माता के दर्शन कर रहे हैं। माता कालरात्रि के दर्शन करने को पहुंच रही महिलाएं और पुरुष उन्हें नारियल और चुनरी चढ़ा रहे हैं। महिलाएं सौभाग्य की कामना के साथ यहां आ रही हैं। मंगल बेला में मां के पंचामृत स्नान के बाद अड़हुल गेंदा और गुलाब के फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन शक्ति की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि के दर्शन पूजन करने का विधान है। काल का विनाश करने की शक्ति के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया। आज नवरात्रि तिथि की सप्तमी तिथि है। इस सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा कालरात्रि रूप में विराजित होती हैं और मान्यता ये है कि माँ कालरात्रि देवी जी का आज के दिन दर्शन करने से समस्त बाधाओं की शांति होती है। मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है और जिस उद्देश्य के साथ मनुष्य जो भी कामना लेके माँ के दरबार में आता है आज माँ उसकी हर कामना को पूर्ण करती है। माँ का सबसे प्रिय भोग देखिए मालपुआ माना गया है और फिर दही है, मलाई है। शुक्रवार के दिन इनको गुड़ अत्यंत प्रिय है, इसलिए कालरात्रि जी को लोग गुड़ अक्सर चढ़ाते हैं। आज नवरात्रि तिथि की जो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र, दो नवरात्र में माता की आज जैसे शारदीय नवरात्र है तो माता का पट सुबह पंचामृत श्रृंगार, पंचामृत स्नान के बाद और विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा, सुगंधित पुष्पों द्वारा, इत्र द्वारा इनका स्नान होता है। तत्पश्चात श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद भोर में ठीक 3:45 पे माँ का पट खोल दिया जाता है दर्शनार्थियों के लिए।